सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी व मेरे अध्यापक गण। मैं अद्विता जैन कक्षा चौथी अ की छात्रा। मैं स्वतंत्रता दिवस पर आज 1857 की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिन्होंने अल्प आयु में ही ब्रिटिश साम्राज्य से संग्राम किया। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घुमी हुई आज़ादी की कीमत हम सब ने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 वाराणसी में मोरोपंत तांबे के घर हुआ। बचपन से ही वह घुड़सवारी व तीरंदाजी में माहिर थी और अपने साहसी कार्यों से आज़ादी की लड़ाई में अपनी विजय गाथा लिखी। पेशवा बाजीराव के घर उनका बचपन बीता। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ तलवार चलाना, भाला, बर्छा, बंदूक चलाना, कुश्ती व व्यायाम में भी वह निपुण थी। उनका विवाह महज 14 वर्ष की आयु में महाराज गंगाधर राव से हुआ और एक पुत्र दामादव राव का जन्म हुआ। 4 माह में ही उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। इस वियोग से उनके पति की भी मृत्यु हो गई जब रानी 18 वर्ष की थी। ब्रिटिश सरकार के नियम अनुसार राज्य उत्तराधिकारी न होने पर राज्य पर अंग्रेजों का शासन होता था। झांसी को हत्याने के लिए अंग्रेजों व लक्ष्मीबाई के बीच युद्ध हुआ। रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। युद्ध में गुलाम खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, काशीबाई आदि लाखों सैनिकों ने रानी का साथ दिया और 1858 वो वीरता से लड़ते हुए उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। उनका साहस तारीफ़ काबिल था। ऐसी वीरांगनाओं से भारत का सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा। जय हिंद।